अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम दोस्तों को सलाम वेलकम अपनी वीडियो में करता हूँ। इस वक्त जनाब मैं एक मस्जिद में मौजूद हूँ, अपने गांव की मस्जिद में, और हमारे पेश इमाम और हमारे यहाँ पे जो उलमा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। साहिबान, आपसे एक साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये है कि ये जा नमाज आप देख रहे हैं, ये है मीडियन चाइना। आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ तो ये है मीडियन चाइना, आप खुद देख सकते हैं। अब वहाँ पे मुसलमान भी बहुत हैं लेकिन गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और इसकी इस कंपनी, जो भी कंपनी हमें नहीं पता, सिर्फ मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अब इसको बनाने वाले अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको थंबनेल पे भी तस्वीर नज़र आई होगी कि यहाँ पर अगर आप जाएँ और इस चीज़ पर गौर करें, आप ख़ुद गौर करें और सामने देखें, आपको एक बुत की शक्ल का एक ये तमाम जो इसका स्टैचू या जो ये बना हुआ है एक नक्शा, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे का सारा, बग़ौर देखें। चूँकि ये जा नमाज है, इस पर हम मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, तो तमाम चीज़ों पे जो है ना गौर करना चाहिए। जहाँ भी नमाज पढ़ें पाक साफ़ जगह होनी चाहिए, उसके अलावा जिधर आप जो जा नमाज इस्तेमाल करें या इस तरह जिस पर आप नमाज अदा करें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जो गैर मुस्लिम है मुख्तलिफ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे लोग जो हमारी नमाजें या जो क्या कहते हैं हमारी इबादत होती हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए, या हम लोगों को जो नमाजें उनको ज़ाया करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो हरकतें हैं वो करते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अगर जानमाज ख़रीदें, नमाज पढ़ें, तो इस बात पे ज़रूर गौर किया करें कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जगह पाक साफ़ है, जिस आप जानमाज पे खड़े हैं वो इस काबिल है, वो कपड़ा या वो जो जानमाज है, तो उसके बाद अदा करें। और चंद बातें मैं करूँगा अपने जो पेश इमाम साहब हैं उनसे भी, चूँकि उन्होंने भी इस बात को पकड़ा है, ये बाकायदा पता चल रहा है कि ये एक बुत की शक्ल की चीज़ है। तो इस तरह की तो हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह की चीज़ों के ऊपर। चंद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये माशाल्लाह आप इस मस्जिद के पेश इमाम भी हैं, और ये सबसे पहले आपने नोट किया इस बात को, यानी कि आप अगर आप गौर से देखें तो ये साफ पता चल रहा है। जी जी जी। तो चंद बातें करना, कुछ मैसेज अच्छा सा देना चाहेंगे हमारे। किसी बंदे ने बाहर से आकर ये गिफ्ट मस्जिद को दिया, लेकिन हमने गौर से देखा तो ये जी जी बुतों वाला निज़ाम था, सही, जिसको हमें अपना शरीयत मना फरमाता है, सही, और हमारे दीन में इस पर नमाज पढ़ना नाजायज़ है। जी बिल्कुल। लिहाजा ये बुत परस्ती की तरफ मायल कराता है इंसान को। सही। जिसने भी जा नमाज बनाई है, जो भी कंपनी हो, चाइना हो या मुसलमान कंपनी हो, मुसलमान तो नहीं हो सकती क्योंकि इस पे जाहिर है मीडियम चाइना लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये तो जाहिर बात है कि वो दीन को नापसंद करते हैं, मुसलमानों को नापसंद करते हैं, वो किसी न किसी तरह अपने मुशरकाना तर्क को मस्जिदों में लाते हैं। लिहाजा हमें एहतियात करना चाहिए कि ऐसी जा नमाजों पर नमाज पढ़ना और ऐसी नमाज जा नमाजें ख़रीदना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। सही। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, अहादीस में भी इसकी बड़ी तंबीह इसमें आई है। जी जी। कि जो कोई पहले तो मुशरक लोग जो है बैतुल्लाह में भी ये बुत अपने आवेदन करते थे, लेकिन जब हमारा शरीयत आ, हुजूर नबी करीम सल्लम जब उन मबूस हुए तो ये तमाम मुशरकाना निज़ाम उन्होंने अपने पांव तले रून डाला। हमें भी चाहिए कि हम सुन्नत नबी अदा करने की पूरी कोशिश करें और इन चीज़ों को रद्द करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी औलाद को मुशरकाना इबादत से महफूज रखें। आमीन। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो के बनाने का मकसद हल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।